हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पर मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यहाँ की अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस बैंक का आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहिए। पर ये जो अभी वीडियो बनने जा रही है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक्सिस बैंक के अलावा अगर आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड लेते हो ना, तो आपको इस वीडियो से एक एक चीज की नॉलेज पता लग जाएगी। ठीक है, तो जो इस वीडियो में मैं नए टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, बीच बीच में कहीं भी बता सकता हूं, तो वीडियो को ऐसा ना हो कि लास्ट से देखना शुरू कर दो या स्टार्टिंग से देख के बीच में छोड़ दो। तो बीच बीच में मैं आपको अच्छे टिप्स बताता रहूंगा ताकि आपको हर चीज पता लगती रहे। इसके बाद आपको कभी भी किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड चाहिए होगा ना, तो आप उस टिप्स को फॉलो करना, आपको ज्यादा एनुअली चार्ज नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं जो एक्सिस बैंक के, तो वैसे काफी वेरिएंट होते हैं, पर आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना है। जैसे आपको पता नहीं चलता, कई बार बैंक आपको एनुअली चार्ज 500 रुपए वाला डेबिट कार्ड देता है, क्योंकि बैंक को तो टारगेट है, बैंक को तो अपना प्रोडक्ट सेल करना ही है। अब आपको बताएगा थोड़ी कि मैं आपको 700 रुपए वाला एनुअली चार्ज वाला दे रहा हूं, तो आप तो कहोगे नहीं मुझे 300 वाला दो, तो इसलिए बैंक कभी आपको बताता नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बैंक से पूछो कि ये कितने एनुअली चार्ज वाला है। अब बैंक के पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो आपको एक एक चीज बताए, तो उससे अच्छा क्या है कि आपको खुद को ही नॉलेज हो, और वही नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आता है एक जो डेबिट कार्ड होता है। मैं आपको ना यहाँ पे कुछ डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको एक हिंट दे दूंगा ताकि आपको डेबिट कार्ड से नाम से ही पहचान हो जाएगी भाई हाँ इस डेबिट कार्ड कितने एनुअली चार्ज होंगे। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स बीच में आती रहेंगी। चलो सबसे पहला देखो होता है बर्गंडी डेबिट कार्ड। ठीक है, ये जो डेबिट कार्ड होता है ये थोड़ा लग्जरी टाइप का होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, इसकी जो एनुअली फीस है वो कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, और इसमें जो डेली की कैश लिमिट आपको मिलती है वो मिलती है 3 लाख रुपए। अब आप नॉर्मली सी बात, आप खुद सोचो, अगर कोई बैंक आपको 3 लाख की कैश लिमिट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कमाने के लिए बैठा है। ऐसा तो है नहीं कि आपको 200 या 250 रुपए एनुअल चार्ज पे देगा, तो यहीं से आप पता लगा लो भाई इसकी एनुअल फीस ज्यादा होगी। ठीक है, और इसके कुछ क्राइटेरिया होता है, ये इसके कुछ बर्गेंडी कस्टमर्स होते हैं उन्हीं को ये मिलता है। ठीक है, और 6 लाख की यहाँ पे शॉपिंग लिमिट है। ठीक है, और टॉप फीचर क्या है कि आपको 20% तक का ऑफ मिलेगा टॉप के इंडियन रेस्टोरेंट में, जहां पे आप पेट भर के आप खाना अपने खाते हो। ठीक है, और फिर आपको मूवी टिकट थोड़ी फ्री मिलती है, 1 के साथ 1 फ्री मिलती है, तो आप समझ जाओ कि भाई ये तो आपके बस का नहीं है। ठीक है, मतलब आपके लेवल का नहीं है कार्ड। अब दूसरे नंबर पे आता है प्रायोरिटी डेबिट कार्ड। अब प्रायोरिटी में क्या है, देखो जब बैंक ने नाम ही रख दिया प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब पहल। अब अगर बैंक किसी को पहल दे रहा है तो ऑब्वियसली बैंक इसलिए पहल दे रहा है कि उससे कोई बेनिफिट लेगा, तो इसका भी मतलब नहीं बनता कि ये फ्री हो। तो इसकी भी जो एनुअली फीस है वो 750 रुपए। ठीक है, जब बैंक ने प्रायोरिटी वर्ड लगा दिया, मतलब भाई प्रायोरिटी होता है बैंक पहल दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक 200 रुपए वाले डेबिट कार्ड को पहल देगा, तो यहां से लगा लो इसकी भी 750 की एनुअली फीस है, और ये कुछ कंडीशन में फ्री है जो इनके, और इसमें बेनिफिट भी अच्छे हैं। 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थ्रो बुक माई शो मूवी टिकट में और भी अच्छे बेनिफिट हैं, और आपको 1 लाख की कैश विड्रॉल की लिमिट है। अब आप लगा लो 1 लाख की कैश विड्रॉल क्या आपको बैंक 150 में देगा एनुअल चार्ज? नहीं देगा। ठीक है, तो इससे और कुछ सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ इसके जो प्रायोरिटी कस्टमर तो उन्हीं को ये मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी के लिए पेड होगा 750 रुपए। अब आता है प्रेस्टाइज डेबिट कार्ड। अब प्रेस्टाइज का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू बनी हो। ठीक है, अब बैंक की निगाह में जिसकी वैल्यू की, तो आपको क्या लगता है कि बैंक 200 रुपए वाले को देगा? अब उसने नाम ही रखा है प्रेस्टाइज डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे भी इसकी फीस इसने 500 रुपए रखी है। और जैसे जैसे एनुअल फीस कम होती रहती है, वैसे वैसे इसके फीचर कम होते रहते हैं। जैसे एनुअल फीस ज्यादा होगी तो फीचर डेबिट कार्ड के बढ़ जाते हैं। अब 500 में क्या है, आपको एक तो 1 लाख की कैश लिमिट मिल रही है विड्रॉल की। ठीक है, अब आप कहाँ निकाल, तो महीने में आई थिंक बहुत रेयर होगा अगर आप एक ही दिन 1 लाख रुपए निकालो। ठीक है, अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है चेक लेके जाओ, चेक से आप निकाल लेना। ठीक है, और परचेजिंग लिमिट है 5 लाख की, और बाकी कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट वगैरह मिलती है, पर एनुअल फीस है 500 रुपए की, तो ये भी आपको नहीं लेना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताया डिलाइट डेबिट कार्ड। अब देखो डिलाइट मतलब उसने नाम ही ऐसा रखा है, डिलाइट खुशी वाला डेबिट कार्ड। ठीक है, जिससे बैंक को खुशी होगी, कस्टमर को खुशी नहीं, बैंक को जिससे खुशी होगी। अब अगर बैंक ने नाम ऐसा रखा तो बैंक तो तभी खुश होगा ना जब बैंक को प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए उसने प्रॉफिट के चक्कर में अपनी एनुअल फीस को 1000 रुपए कर दिया। ठीक है, अब डिलाइट यानी बैंक खुश हो रहा है तो 1000 रुपए एनुअल फीस, और वही 1 लाख की विड्रॉल है, परचेजिंग लिमिट 5 लाख की है, यात्रा के वाउचर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ 3 ट्रांजेक्शन आपको करनी होती है 60 डेज के अंदर कार्ड इशू होने के अंदर, उसके बाद आपको लॉन्च एक्सेस मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि 200 रुपए में बैंक आपको लॉन्च एक्सेस दे देगा? नहीं देगा। ठीक है, अब अगला आता है वैल्यू प्लस डेबिट कार्ड। ठीक है, इसमें क्या है, ये
ले सकते हो आप, पर ये थोड़ा सा महंगा है, पर औरों से सस्ता है। इसकी एनुअली फीस है डेबिट कार्ड की 300 रुपये, ठीक है। अब इसमें 5% आपको ग्रॉसरी पर डिस्काउंट मिल जाता है। कैश विड्रॉल की लिमिट 1 लाख है, 1 लाख कैश विड्रॉल लिमिट मतलब एनुअली चार्ज ज़्यादा, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सा सही है, एक तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी मैं एक दो कार्ड और बता रहा हूँ, फिर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा और बस आपको मोटी मोटी टिप्स दे दूंगा, ठीक है। फिर आता है ऑनलाइन रिवार्ड्स डेबिट कार्ड। अब ऑनलाइन, जहाँ पे ऑनलाइन वर्ड आ गया, रिवार्ड्स डेबिट कार्ड लग गया, तो वहाँ पे भी आपको पता है कि एनुअल फीस तो वो लेगा, ठीक है। तो 500 रुपये की एनुअल फीस रख दी है, और कैश लिमिट क्या है 85 रुपये की, और टॉप फीचर क्या है कि आपको 1000 रुपये एनुअली के वाउचर मिल जाएंगे, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको बुक माई शो पे मिल जाएगा। ये कोई रोज रोज मूवी देखने नहीं जाता है, ठीक है। और वैसे ही आजकल तो हमारे तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो एक नया थिएटर बना है, तो उसने तो मूवी टिकट ही 130 रुपये की कर दी मिनिमम। जब आज से 4 साल पहले जब मैं मूवी देखता था तो उस टाइम पे 250 रुपये मिनिमम टिकट होती थी। और हमारे यहाँ पे एक ऐसा उसका नाम आई थिंक मूवी जो थिएटर का नाम है वो है मुझे नाम याद नहीं रहा, अभी जस्ट नया खुला है वो, ठीक है। और उसने तो इतना जियो वाला हाल कर दिया कि भाई जैसे जियो ने पूरी धज्जियाँ उड़ा देते ना बाकी टेलीकॉम सेक्टर की, इसने क्या है जमाने 3 यहाँ पे सिनेमा और तीनों की धज्जियाँ उड़ गई, और सबसे कम टिकट में 130 रुपये में यहाँ मूवी टिकट दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब अगला आता है सिक्योर डेबिट कार्ड। इसकी है 500 रुपये की एनुअल फीस, सॉरी 300 रुपये की एनुअल फीस। सिक्योर डेबिट कार्ड की है 300 रुपये की एनुअल फीस। कैश विड्रॉल लिमिट है 50 रुपये। अब आप खुद लगा लो, कैश विड्रॉल लिमिट कम कर दी, जहाँ पे 40 या 50 हज़ार लिमिट होगी वहाँ पे आपको 200 या 300 रुपये एनुअल फीस ही आपको डेबिट कार्ड में मिलेगी, ठीक है। और परचेजिंग लिमिट है 75,000 की। परचेजिंग पता ही आपको कोई इतनी करता नहीं है, ठीक है। और फीचर क्या कर दिए, कुछ ये कर दिया कि अगर आपका लॉस होता है कभी डेबिट कार्ड में तो आपको 80,000 रुपीज़ तक का, अगर मान लो आपका डेबिट कार्ड से कुछ लॉस हो गया, ठीक है, आपका डेबिट कार्ड गुम हो गया, तो आपको 80,000 के आपके बिल, फ्लाइट टिकट वगैरह ही मैनेज कर लेगा। फ्रॉड प्रोटेक्शन का कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटी दे देता है, ठीक है। अब आता है रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड। अब देखो ये, इसका ध्यान से सुनो, जो रुपए कार्ड है वो आपको पता है वो इंडियन है, ठीक है। जैसे वीजा और मास्टर तो बाहर की कंपनियां जो डेबिट कार्ड इशू करती हैं, पर रुपए क्या है इंडियन गवर्नमेंट का है। अब रुपए लग गया तो आपको पता है जब इंडिया की बात आ गई तो ना तो इंडिया को बाहर टैक्स देना है, ना कोई वीजा प्लेटिनम कार्ड वालों मास्टर कार्ड वालों को कोई फीस देनी है, तो इसलिए रुपए में क्या है आपको एनुअल फीस इसने कर दी है सिर्फ 200 रुपये, ठीक है। और विड्रॉल ये भी निकालेगा क्या है, डेली की 40,000 की विड्रॉल निकालेगा, तो भाई 40,000 रुपये कम होते हैं, 40,000 में यार 2 दिन में 80,000 रुपये निकाल लोगे तो मौज मारो, और क्या करना है, ठीक है। 80,000 ये हो गया, रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर यार रिवार्ड पॉइंट ही लेने ना तो भाई क्रेडिट कार्ड बनवा लो, उससे अच्छा क्रेडिट कार्ड बनवा लो। फीचर लेना तो डेबिट कार्ड से कई गुना अच्छे फीचर तो क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। अगर आप एनुअली 1000 रुपये डेबिट कार्ड वालों को दे रहे हो ना, तो उससे अच्छा तो आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, उनको आप एनुअली दे दो 1000 रुपये, बढ़िया आपको बहुत बढ़िया क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा 1000 रुपये एनुअली में, ठीक है। बाकी बिल पेमेंट पे थोड़ा बहुत कैशबैक मिल जाएगा, वो आपको पता ही है। अब आता है यूथ डेबिट कार्ड में क्या है, यहाँ पे आपको बेचारे ये तो यूथ मतलब जो यंग जनरेशन के लिए, उनको पता है यंग वालों के पैसे तो कम हो, पैसे तो ज़्यादा होते नहीं है, नॉर्मली होते हैं, तो यहाँ पे 40,000 की इन्होंने कैश विड्रॉल रख दी है और 2 लाख की परचेजिंग लिमिट, ठीक है। बाकी थोड़ा यूथ को खुश करने के लिए डेबिट कार्ड के ऊपर फोटो भी चिपका के दे रहे हैं ताकि यूथ हमारी खुश हो जाए, हमसे वो डेबिट कार्ड ले ले, ठीक है। और बाकी लॉस कार्ड लाइबिलिटी, अगर कोई कार्ड वार्ड चोरी वोरी होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेते हैं, इतना वैसे कोई आता नहीं है। अब फिर उसके अलावा और भी कार्ड होते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेडीज फर्स्ट कार्ड हो गया, वो लेडीज़ की प्रॉपर्टी के लिए। एनआरआई डोमेस्टिक टाइटेनियम कार्ड हो गया, टाइटेनियम प्राइम प्लस कार्ड हो गया, जहाँ पे टाइटेनियम आइटम लग जाता है ना, तो ये टाइटेनियम लग गया, गोल्ड लग गया, तो ये भी समझ लो कि भाई ये आपसे गोल्ड वाला रेट ही लेंगे डेबिट एनुअली का, ठीक है। टाइटेनियम लग गया तो इनके भी 400-500 तो होंगे कम से कम, ठीक है। अब लास्ट में आता है एक वीजा क्लासिक कार्ड, ठीक है। और सब बैंकों के नाम ना लगभग सेम ही रहे, किसी से अगर वीजा एक्सेस में है तो वीजा कोई SBI में भी होगा, ठीक है, और वीजा क्लासिक कार्ड HDFC में। मतलब यार कहने का मतलब है कि सभी बैंक एक दूसरे को कॉपी करते हैं, जो एक बैंक वर्ड यूज़ करेगा वही वर्ड दूसरा बैंक यूज़ करेगा वही तीसरा। अब वीजा में देखो क्या है, एक तो विड्रॉल लिमिट आपकी 40,000-50,000 की है पर डे की, 3 लाख की शॉपिंग लिमिट है, ठीक है। और क्लासिक मतलब क्या होता है, क्लासिक मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और तभी क्लासिक का मतलब आ गया सिंपल, और तभी इन्होंने एनुअल फीस रखी 200 रुपये की, सिंपल। अगर आपको बैंक, आप बैंक से पूछ लो, बैंक में जाओ उनसे पूछो मुझे कौन सा कार्ड दोगे, तो अगर कहेंगे ना आपको क्लासिक कार्ड मिलेगा तो आप समझ जाओगे 200-300 रुपये की फीस होगी। और वही है, यहाँ पे 200 रुपये की फीस है और GST सब में आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो आपको पता ही है ATM की GST, ठीक है। एयर एक्सीडेंट कवर मिल जाएगा, वो तो चलो किसी कभी जरूरत पड़ती नहीं किसी को। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाएगा, रिवार्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको मेन मुद्दा पता लग गया। अब मोटी मोटी एक तुक्के मुद्दे वाली बात सुन लो, क्लासिक हो, ठीक है, या फिर अपना
क्लासिक हो या रुपए कार्ड हो, अगर ये वर्ड डेबिट कार्ड में यूज हो रहा है तो इनकी मान लो 200 या 300 रुपए की एनुअली फीस होगी। अगर प्रायोरिटी हो, टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, तो लगा लो कि आपसे वो ज्यादा पैसा लेने वाले हैं एनुअली नाम के। और फर्क कोई होता नहीं, बस थोड़ी रिवार्ड पॉइंट दे देंगे, कुछ मूवी का वाउचर दे देंगे आपको, ठीक है, कुछ रिवार्ड पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, बस ये बढ़ने के कारण आपकी वो एनुअली फीस को इंक्रीज कर देते। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, बहुत ही शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।